जैसा कि हमने आज बताया आपके साथ कि आज हम इस पे प्रोजेक्ट करने वाले हैं आपके साथ, तो प्रोजेक्ट मतलब कि हम एक प्रॉब्लम को आपके साथ सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। बेसिकली उनके पास इस तरह के डेटा आते हैं राइट, और उन डेटा को मेंटेन करता है। वो चाहते हैं कि एवरी आफ्टर ब्लैंक सेल, और ब्लैंक सेल की क्वांटिटी ज्यादा भी हो सकती है, कि एवरी ब्लैंक सेल जो है वो अलग अलग सीट पे रखना चाहते हैं। हर ब्लैंक सेल के बाद डेटा को अलग अलग सीट पे रखना चाहते हैं, और ये कैलकुलेट में बढ़ता और घटता भी रहता है। ओके, तो कैसे करें इसको? तो इसमें दो चीज है कि अगर मान लीजिए हेडिंग जो है यहाँ पे, अगर सबका हेडिंग सेम है तो थोड़ा सा आसान हो सकता है, बट हेडिंग अलग अलग हो तो फिर उसके लिए कुछ और करना पड़ेगा। तो चलिए हम हेडिंग के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो यहाँ पे हम एक रो इंसर्ट किया हमने राइट, और यहाँ पे जस्ट कंडीशन दिया कि यहां पे काउंट नहीं, नहीं यहां पे काउंट इफ नहीं होगा, यहां पे लेंगे कि इफ दैट इज इक्वल टू नेम देन मैक्स प्लस वन, अगेन दैट इज इक्वल दैट इज ग्रेटर देन जीरो देन वाले में प्लस वन, अदरवाइज प्लस। और पहले ए वन को फिक्स कर दें, प्लस नहीं करना चाहिए था, प्लस नहीं करना चाहिए। इसको नीचे तक हम रख देते हैं और भी नीचे तक ड्रैग करके, ताकि अगर कैलकुलेटर में डेटा ऐड होता है तो अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है सर, अब एक सीट इंसर्ट करते हैं, इसका इसको यहां यहां पे हम मैन्युअली वन देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मैच का फॉर्मूला लगाते हैं, और मैच के फॉर्मूले में बताते हैं कि हमारा वन दूसरे नंबर पर रो पे है, और फिर यहां पे हम देते हैं काउंट इफ, और हम लेते हैं रेंज रेंज यहां पे सी टू जो डेटा है उसमें, और कितना वन है वो यहां पे देखते हैं। तो दूसरे नंबर से रो स्टार्ट है 12 है, फिर यहां पे हम देते हैं ऑफसेट का फॉर्मूला, ऑफसेट इससे स्टार्ट करना है, कितने नंबर ऑफ रो है तो ये रो है, कॉलम कितने हैं तो ये कॉलम है, नहीं कॉलम रो नहीं, कितना रो से चलना है, हाइट कितना है तो हाइट 12 है, और विड्थ कितना है यहाँ पे जीरो कर देता हूँ, हाइट 12 है और विड्थ कितना है, तो विड्थ है 1 2 नहीं, इसमें कॉलम बढ़ाना है एक अगले, क्योंकि 1 2 1 1 3 चाहिए 1, हाँ
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 विड्थ हमारा 11 है। टू नहीं चाहिए। नंबर रो फिर नेम क्यों नहीं आया इसमें? अच्छा हाँ, इसमें हमें 1 माइनस करना होगा ना, क्योंकि 1 कम लेता है ना, सही ना? आ गया रेटा सर? हाँ सर आ गया। सर हम ऐसे भी कर सकते थे, वीर्थ की जगह पे हम काउंटा ले सकते थे ना। हाँ कर सकते थे, लेकिन खामखा फॉर्मूला मैं 12 फिक्स है मान लीजिए। अब आप लोग भी कुछ सर, सब कुछ मैं ही कर दूंगा तो फिर आपको भी तो कुछ करना है ना सर, कुछ एडिशन नहीं करेंगे इसमें। ठीक है सर, ठीक समझ में आ गया ना सर? यस सर। इसमें अभी तो हो गया, लेकिन हालांकि सीट पे चाहिए ना सर, तो हम सीट का नेम दे देते हैं टू, दे दिए ना सर टू। फिर यहां पे हम फॉर्मूला लगाते हैं किसका, यहां पे सर, यहां पे सेल का, सेल में फाइल नेम, ठीक है आ गया टू। फिर मैं इसमें लगाता हूं फॉर्मूला फाइंड का, समझ में आ रहा है आपको शुभम जी? सिक्स। फिर यहां पे राइट का फॉर्मूला, राइट इसको सेलेक्ट किया कॉमा लेन माइनस नहीं, ए टू आ गया सर। अब सेल फॉर्मूले को कॉपी करता हूं और यहां मैं डालता हूं बी वन पे, और यहां भी बी वन है, यहां भी बी वन है, यहां भी बी वन। फिर यहां पे फाइन फॉर्मूले को लेता हूं, यहां डालता हूं, मतलब कि इसको डिलीट कर दें, इसको डिलीट कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर इस फॉर्मूले को कॉपी कर यहां डालता हूं, सॉरी आया, क्योंकि ये यहां ये नंबर है, हमारे इस सीट पे नंबर है, बट इस सीट पे क्या है इसलिए। इसको क्या करेंगे सर, इसको वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। आ गया सारा। फिर इसको कभी इसको अब इसमें किसी सेल का लिंक नहीं है, इसको कॉपी करते हैं यहां मैच ए वन के जगह पे इसको पेस्ट कर देते हैं, और सीट जो है ये हमारा फ्रीज रहेगा। इस मैच फॉर्मूला को लेते हैं, नहीं नहीं यहाँ भी ए वन है ना, इसको भी कॉपी करना पड़ेगा ना, वैल्यू को कॉपी, और यहाँ पे जहाँ ए वन है वहां पे पेस्ट करना होगा। तो मतलब कि मैं अगर इसको डिलीट करूं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मेरे पास दो आ गए, अब मैं इस मैच फॉर्मूला को उठाता हूँ और नेम इसको फ्रीज कर देता हूँ, और इसके जगह पे हम ब्रैकेट में पेश कर देते हैं। देखिए कैसे कैसे बड़ा फॉर्मूला बनता है सर, राइट? फिर वापस इस फॉर्मूले को कॉपी करता हूँ, इसका एक मिनट फ्रीज करना होगा, ये भैया है। हाँ इस फॉर्मूले को कॉपी किया
और यहां जहां पे हमारा बी टू था जगह पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। ओके सर, इस पूरे फॉर्मूले को लेते हैं और यहां पे आते हैं डिफाइन नेम, इसका नाम देते हैं डेटा। और मैं यहां पे इक्वल डेटा लिख के एंटर मारता हूं, आ गया सर। और फिर इसको डिलीट कर दीजिए पूरे का। अब मैं इसको कॉपी करता हूं और यहां पे टू के जगह पे थ्री करता हूं, थ्री का डेटा आ गया सर, देखिए 39 यहां होगा। आ गया सर, यहां वन करता हूं, वन का डेटा आ गया 41। यहां टू किया, टू का डेटा आ गया। बस आपको कॉपी करना है और इसका सीट का नाम देना है 3, 4, 5, 6। लेकिन प्रॉब्लम है सर इसमें, तो सब सेम हो जाता है ना। हेलो, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, डिफाइन नेम नहीं चलेगा सर, डिफाइन नेम नहीं चलेगा। आपको एसी को रखना पड़ेगा। ढूंढना चाहिए ना। एक काम करते हैं, इसमें जो हमने सेल का फॉर्मूला रखा है ना सर, चल ब्रश कर, मम्मी ने ब्रश दिया ना, ब्रश कर। ये जो मैच में जो हमने वैल्यू का फॉर्मूला रखा है ना सर, इसको यहां से कट करना होगा, इसकी जगह पे ये टू जो था उसी को लेना होगा। प्रॉब्लम फंस गई है, सही
सही। यहाँ पे मैच कीजिए, यहाँ पे अगर डालता हूं ए, सेल का फॉर्मूला जो है यहां पे बदलना होगा, लेंथ एलएम और यहां भी फाइल नेम, बस छोटा सा चेंजिंग करना पड़ा है सर। अब हो गया सर, इसमें चेंज क्या हुआ ना सर, प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि सब में सेम हो रहा था, बट हमने क्या किया कि सेल फॉर्मूले को हमने अलग कर दिया, ठीक है, और सेल फॉर्मूले को हमने यहाँ पे बी वन दे दिया, मतलब कि हर सीट का बी वन, जो भी सीट है ना उस सीट का बी वन। अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ, अब मैं यहाँ अभी एरर दे रहा है, सही कर रहा है, टू दूसरा आ गया, थ्री दूंगा, यहाँ पे तीसरा आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल मेथड समझ लीजिए, जो भी सीट सीट नेम को हमने यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया, हर सीट का नेम हमारा यहाँ पे आएगा, राइट। सीट नेम से मैच क्या करेगा, यहाँ मैच करेगा कि तीसरा नंबर कहाँ पर है, तो तीसरा नंबर 32 पे है, और काउंट इफ काउंट करेगा कि 30 जो है कितना है, तो पता चला कि ये 36 है, ये आपका जो है 12 है। तो फिर ऑफसेट फॉर्मूला क्या करेगा कि भाई बोलेगा कि A1 पे जाओ और मैच की जो है कम से उठ शुरू करो और जितने नंबर है उतना उठाओ, सिंपल सा मैच कंसेप्ट है। तो इसमें यह हुआ कि सब कुछ ऑटोमेट है, बस हमें करना क्या पड़ा, हमें करना पड़ा कि हमें जो सीट को कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा और सीट का नाम जो है नंबरिंग के हिसाब से देना पड़ेगा। जे? क्लियर सर, और हमारा डेटा अलग अलग सीट पे आ गया और इसका लिंक भी है। अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक रो इंसर्ट करता हूं और इसमें मान लीजिए मैंने दे दिया ओम और यहाँ पे हमने नंबर्स अपने दे दिए, बस इसमें हमें फॉर्मूले को नीचे की तरफ ड्रैग करना है, समझे, फॉर्मूले को ड्रैग करना है, फिर वह देखिए वापस कि यहां पे भी सीट नंबर वन में वुमेन, मोहन के बाद वुमेन, एक बार इसको रिफ्रेश करना होता है। आ गया सर, एरर है ना सर, हाँ, इसमें अगर मानो रिफ्रेश ना करना हो तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर कर दीजिए, तो रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सीट आप लोगों को भेज देता हूं, आप लोग इस पे अपनी अपने तरफ से प्रैक्टिस करें, क्या सर? एक्सेल भी खत्म नहीं हुआ, 30 तारीख को होने वाला था खत्म, इतने दिन हो गए। क्या बोल रहे सर? एक्सेल भी 11 तारीख होगी, इस खत्म नहीं हुआ सर। सर इस तरह के नए नए फीचर्स आ रहे हैं तो कैसे, मतलब कि सब छोड़ देते, ठीक है हम कोर्स ही खत्म कर देते हैं, अभी 2 घंटा क्लास देके खत्म कर दे सर। आपको सी बताइए सुंदर जी, सीखना है या खत्म करना है?